देखियो आज हम राम सिंह राणा जी के गोल्डन हट पे आए हैं। इन्होंने जो पिछले दिनों में इनकी एक सम्मान समारोह की फोटो और वीडियो वायरल हुई, जिसमें किसान जथेबंदियों द्वारा इनका सम्मान किया गया, जो इन्होंने लंबे समय से अपना पूरे का पूरा व्यापार बंद करके वो गोल्डन हट, जहां से वाकई गोल्डन हट थी, जहां से इनकी आमदन के स्रोत था, घर चलता था, उसको बंद करके किसानों को दे दिया रहने के लिए। जब ये बात समझ में आई कि ये भी होटल इनका है, उसी गोल्डन हट का है जो कि कुंडली बॉर्डर पे है, तो उसके चलते इसके बाहर बैरिगेटिंग करके इंतजाम कर दिया गया, जो कि बड़े लंबे समय से मानसिकता रही है पहले भी, कि जब भी किसी से विरोध किसी का करना कोई करे, उसको दबाने का क्या रास्ता, उसके आगे का रास्ता खोद दो। जैसे किसान जब आ रहे थे तो सड़कें खोद दी, अब बैरिगेट लगा दिए कि अंदर ना घुस पाए, ताकि व्यापारी तौर पर आर्थिक तौर पर इनको मारा जाए और इनको सबक सिखाया जाए। और अब पूरा देश और दुनिया इस बात को देख रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, हमें भी दुनिया भर से फोन आए कि इनके साथ अपनी तरफ से तो आप जाओ दिल्ली कमेटी की तरफ से। मैं आज दिल्ली कमेटी की तरफ से यहाँ पे अकेला नहीं आया, बल्कि जो दुनिया भर के लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, दुनिया भर के लोगों की तरफ से हम रिप्रेजेंट करके राणा जी के पास आए हैं। राम सिंह राणा जी को ये भी आश्वासन दिया, हम डट के तुम्हारे साथ खड़े हैं। और कल से जिस तरीके से इनके परिवार को भी धमकी देनी शुरू कर दी कि तू ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, तेरे बच्चे हैं, बच्चे संभाल ले, ये बहुत ही, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। मैं डीजीपी साहब से भी अभी बात करने की कोशिश की, वो मीटिंग में थे। मैं यहाँ के प्रशासन से भी, वहाँ के डीजीपी साहब से भी आग्रह करेंगे इनको पूर्ण तौर पर सुरक्षा दी जाए और इनके परिवार की हम जिम्मेवारी लेते हैं। हमने राम सिंह राणा जी को और आपके टीवी चैनल के माध्यम पर बोल रहे हैं, इनके परिवार की हमारी जिम्मेवारी है। हमारा कतरा कतरा खून का बह सकता है, लेकिन इनके परिवार को आंच नहीं आने देंगे, ये हमारी इनके साथ वचनबद्धता है। बिल्कुल शिकायत भी दर्ज कराएंगे, उन लोग एक्सपोज हो, कौन इसके पीछे है, कौन ये सब कुछ कर रहा है, हम इसकी जांच सुरक्षा की मांग करेंगे, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो इसकी भी हम मांग करेंगे। पर हमें इस बात का बड़ा दुख है, इतना बड़ा विषय बना हुआ है, प्रशासन को इसका निपटारा अब तक कर देना चाहिए था, लेकिन हम भी क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे ने 2 तारीख तक का समय दिया है, तो हम 2 तारीख तक हम भी किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो बड़ी संस्था है, उन लोगों ने जिम्मेवारी से काम लिया। लेकिन 2 तारीख के बाद अगर सरकार इस लाइन को, इसको आके नहीं निपटारा करती, तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे अपने तरीके से इसका निपटारा करने से। पर हम नहीं चाहते, सरकार को ऐसी विरोधता नहीं करनी चाहिए, ऐसा द्वेष मन में नहीं रखना चाहिए, हर एक को किसी का साथ देने का अधिकार है। और ये यहाँ नहीं हो रहा खाली, आपने देखा होगा ये प्रचलन हरियाणा में शुरू हो गया है, भाई मार जिसको कहते हैं, भाई मार जंग शुरू कर दी गई है, अपने तरफ पैरेलल लोग खड़े किए जा रहे हैं सामने, जो कह रहे हैं जी हम यहाँ पे प्रदर्शन
किसानों का नहीं होने देंगे, हम यहाँ प्रदर्शन मुख्यमंत्री का कराएंगे। ये जानबूझकर सरकार एक भाई मारू जंग खड़ी कर रही है। हम सरकार को कहना चाहते हैं, इस रास्ते मत चलो, काले कानून रद्द हो, उनको रोकने के लिए ये जो आपकी चालें हैं ये नाकाम होंगी, ऐसे काम मत करो। धमकी आपको आई है तो कहाँ से धमकी, क्या कहेंगे? इससे भाई जी वो बातें सारी आएंगी, लेकिन फिलहाल वो मीडिया के सामने देखो वो कुछ बातें अभी ऐसा है, संक्षेप में आपको बता देते हैं, यहीं पर आकर धमकी दी गई है, फोन पे बात कराई गई किसी से, जो कि आम तौर पर हम बात करते करते बातचीत कर लेते हैं, अभी कौन आगे सुन लेते हैं आगे, और आगे वाला आदमी फोन पे धमकियां दे रहा है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही एक गंभीर विषय है, और इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने अंदर बैठ के अब यही बैठक की कि परिवार की सुरक्षा के लिए भी पुलिस को इसकी जानकारी देंगे, पुलिस प्रबंध लगे यहाँ पे, और जो लोग इसके पीछे हैं उन लोगों को उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। ऐसे है जी, हफ्ता क्या है तो जब 7 महीने हुए हम जब से आंदोलन शुरू हुआ है, पहले दिन से अपने किसान भाइयों के अपने पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, और जो हमारी हर चीज़ से हम हेल्प कर रहे हैं, हमें डर था, पहले दिन भी डर था कि भाई हम ये काम तो कर लिया, हम खड़े तो होंगे लेकिन हमें गवर्नमेंट परेशान करेगी, लेकिन हमें ये नहीं अंदाजा था, हमें आभास भी नहीं था मन में भाई ये इतनी नीचता तक आ जाएंगे कि भाई ऐसा काम भी हो सकता है। अब जब पहले आटे की सेवा चल, लंगर की सेवा चल रही थी, फिर आटा दूध पानी, तो मतलब एक पूरी की पूरी जो वहाँ जितने भाई बैठे हैं ताकि वो किसी भी बेसिक जरूरत से परेशान ना हो, उसकी जिम्मेवारी मैंने अपने दम पे लेके, लेने और देने वाला परमात्मा है, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, क्षण मात्र भी नहीं हूँ, मैं तो करवाता भी वो खुद है, करता भी खुद है, लेकिन वो किसी को माध्यम बनाता है। चलो मैं उस परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि भी उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि भी शायद ये कर पाए। तो जैसे जैसे वो बड़ी नोटिसों की कोई लिमिट ही नहीं रही, पीता पापा ने पहले दिन से आने शुरू हो गए थे, मतलब हफ्ते 10 दिन बाद से, भाई आप क्या सोच के खड़े हुए हो, धंधा करना है या वो करना है। अब धीरे धीरे जैसे सेवाएं, अब हमने एक ही बात बोली हुई थी और अब भी वही है, वही खड़े हैं अपनी बात पे कि भाई आंदोलन चाहे 7 महीने हो गए अब तो, चाहे 7 साल भी चले और उसके भी एक हफ्ता बाद मिलेगा राणा जी, और आंदोलन की सेवा ऐसे ही रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जब ये लगा कि भाई ये तो पीछे नहीं हटेगा, नोटिस दे के भी डराना धमकाना तो पहले भी चलता रहा, लेकिन पहले डराई धमकाई चल रही थी खाली धंधे के ऊपर। तो जब 4 दिन पहले मैं भाई साहब जी ने सम्मानित किया यहाँ गुरुद्वारे में, यहाँ काफ़ी भाई थे अपने, सिख संगत काफ़ी थी और भी भाई थे अपने, तो जब इन्होंने सम्मानित किया तो मंडे को सोमवार वाले दिन 21 तारीख को कुरुक्षेत्रा जो न्यूज़पेपर है उस पर फ्रंट पेज पे लगभग सभी पेज पे ऐड रही है। तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन को या तो पहले आभास नहीं था कि भाई ये गोल्डन हट उन्हीं का है, या वो मतलब इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए, तो उन्होंने मतलब कुल 5-6 घंटे के बाद JCB भेजी हैं, दो तीन ट्रक आए हैं भर के, 2-3 मशीनें आई हैं जो उठा उठा के लगा के गई हैं इनको, तो लगभग ये 3-4 फुट ऊंची बैरिकेटिंग करके ताकि कोई भी आदमी होटल के अंदर एंट्री ना कर पाए। तो ये तो चलो जो था वो वहाँ तक तो कोई बिजनेस है आदमी कर लेता है, लेकिन मैं पूरे सभी भाइयों का, पूरे किसान परिवार का, अपना जो हमारा किसान परिवार हमारे साथ खड़ा है, और जो अमरेंद्र भाई जी ने जो जिम्मेवारी ली है, सरसा जी ने, जो बच्चे आज से मेरे बच्चे इनके पास रहेंगे, और मैं इतना भारी हूँ कि मेरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कम से कम जब तक ये माहौल ठीक होए मैं निश्चिंत हो गया अपना जो कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हमें कोई आभास नहीं है इस चीज़ का, क्या पता शाम तक मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे सेफ है तो मेरी जिंदगी सेफ है, मेरा सब कुछ सेफ है, तो मैं आभारी हूँ पूरी सिख कौम का, मैं बस मेरे पास शब्द नहीं है। इनके बच्चे परिवार जो है वो हमारे पास, हम अपने पास रखेंगे, हमने इनको आश्वासन दिया है, और हम फिर आपके TV चैनल के माध्यम से भी और दुनिया भर को लोगों को ये बताना चाहते हैं, इस बात का हमने इनको आश्वासन दिया, हमारा खून का कतरा कतरा बह सकता है लेकिन आपका परिवार हमारा परिवार है, आपके परिवार की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, इसकी जिम्मेवारी लेते हैं।
खाली संभालने की नहीं, को आंख उठा के हमने देखे, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। तो इसलिए आज हम अपना इनका परिवार हमारे साथ रहेगा। सरदार हरमीत सिंह जी कालका जो हमारे प्रेसिडेंट हैं श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट के, वो भी आपसे दो मिनट बताएंगे। पार्टी की तरफ से भी हमारा आश्वासन है, हमारी पार्टी भी डट के खड़ी है। देखो जो बात आपको भी बताई कि जिस तरीके से इनको सम्मानित करने के बाद ये बात हुई, और सम्मानित भी श्रोमणी अकाली दल ने इनको किया, वहाँ पर हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पर बैठे हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी लगा दी है कि अपने लोगों के साथ रह के राणा जी का यहाँ सहयोग करना है, और ये जिम्मेवारी कि उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए हम उनको अपने साथ लेके जा रहे हैं, और इस बात के लिए सरकार के ऊपर भी बात करेंगे कि ऐसी तशद्दुद जो है व्यापारियों के ऊपर ना की जाए। किसान तो तुम्हारे खिलाफ है ही, अब व्यापारियों को भी तुम खिलाफ कर रहे हो, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारी अपनी तानाशाही चल रही है इस देश के अंदर। सो इसको दूर करने के लिए जो सहयोग राणा जी करेंगे, क्योंकि इन्होंने जितना बड़ा सहयोग दिया है वो शायद ही कोई व्यापारी कर सकता है। ये व्यापारी की सहयोग नहीं था, ये किसान के बेटे का सहयोग था, ये एक उस आदमी का सहयोग था जो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, और ज़मीन के साथ जुड़े हुए लोग आज सारे राणा जी के साथ हैं। सुरक्षा देगी परिवार को, बच्चों को, बिल्कुल हम उनको साथ लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारे यहाँ के लोकल बंदे हैं वो इनके साथ राणा जी के साथ यहीं रुके। देखिए जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रशासन का कि राणा जी का पिछले 7 महीने से वहाँ पर लंगर चल की सेवा कर रहे हैं, तो किसानी से जुड़े लोगों को ही पता था कि राणा जी सेवा कर रहे हैं। जब से प्रशासन ने ये पत्थर लगाए हैं अमेरिका, कनाडा, विदेशों में और सारे भारत के अंदर पता चल चुका है कि राणा जी किसानों की सेवा कर रहे हैं। ये पत्थर लगाने से ही पता चला है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने जो काम किया है, जो इनकी सच्ची सेवा थी वो लोगों तक पहुँचाई है। उसके बाद हमें दुख है, दुख इस बात का है कि राणा जी को टारगेट किया गया है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर का ढाबा है, उसके आगे आप देख सकते हैं अभी भी जाकर कोई भी मार्केटिंग नहीं की गई, कोई भी वहाँ पर पत्थर नहीं लगाया गया। वहाँ पर तो एक ये पत्थर लगाकर वहाँ पर सीधा व्हीकल जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। सरकार की ये गंदी चाल है, इसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। 2 तारीख को तक का किसानी जो हमारा मोर्चा है उन्होंने टाइम दिया हुआ है, वो जो हमें निर्देश देंगे उसकी हम पालना करेंगे। श्रोमणी अकाली दल इनके साथ पूरी तरह डटा हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं मनजिंदर सिंह जी, सरसा जी का, कालका जी का, को वो दिल्ली से स्पेशल यहाँ पर हमारा सहयोग करने के लिए हैं। इनका भी तय दिल से हम धन्यवाद करते हैं। सुरक्षा दी जाएगी आपकी तरफ से यहाँ पे? बिल्कुल, हम यहीं पर रहेंगे। मनजिंदर सरसा जी ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि जब तक ये काम नहीं निबटता आपने राणा जी के साथ रहना है। मैं 24 घंटे आपके सामने वचन करता हूँ के 24 घंटे राणा जी के साथ रहूंगा। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी आप अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उस पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज का पेज खोलिए और इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उसको आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोबारा से आप बेल आइकन के ऑप्शन को जब आप दबाएंगे तो ये तमाम ऑप्शन खुल जाएंगे, उनको एक एक करके सिलेक्ट जरूर कीजिए। सबसे पहले लाइव वीडियोस का ऑप्शन है, उसको आप ओपन करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन दबाइए। उसके बाद वीडियोस का ऑप्शन है, उसको ओपन करके ऑल नोटिफिकेशन दबाइए। पोस्ट का ऑप्शन है, उसको ओपन करके आप हाइलाइट्स कीजिए, और उसके ऊपर सबसे ऊपर न्यूज फीड का ऑप्शन आएगा, उसको ओपन करके आपको फेवरेट्स करना है। तो अगर आप इन तमाम ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे तो करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो इन विशेष बातों का जरूर ध्यान दीजिए और आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलकर, करनाल ब्रेकिंग न्यूज का पेज खोलकर इन तमाम ऑप्शंस को सिलेक्ट जरूर कीजिए।